हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एनकाउंटर यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज से एक हफ्ते पहले जो है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की रिपोर्ट जो है कोविड पॉजिटिव आई थी, उसके बाद से पांचवा टेस्ट भी मिस कर दिया गया था और बुमराह को जो है कप्तानी सौंप दी गई थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोहित शर्मा की फिटनेस पर क्या मतलब अपडेट निकल कर आया है, क्योंकि रोहित शर्मा के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और ODI सीरीज में जो है गब्बर की वापसी हो चुकी है, शिखर धवन की भी वापसी हो चुकी है, तो उस पर भी हम बातचीत करने वाले। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हो, टीम इंडिया के फैन हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना। फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको रोहित शर्मा से जुड़ी अपडेट दे देता हूं। तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की जो रिपोर्ट है अब नेगेटिव आ चुकी है फाइनली। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। रोहित शर्मा जो है कोविड नेगेटिव हो चुके हैं और यहां पर जो है टीम इंडिया की तरफ से अब प्रैक्टिस भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि 7 जुलाई को बड़ा मैच होने वाला है। रोहित शर्मा जो है 8-9 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोविड हो गया था उनको। और यहां पर जो है अब टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही, पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं और टीम इंडिया की तरफ से यहां पर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी गई है रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा के फैंस के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि रोहित शर्मा की जरूरत है, क्योंकि T20I सीरीज होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा मैच होने वाला है। और यहां पर शिखर धवन को लेकर भी अपडेट आ रही है। शिखर धवन ने जो है टीम में वापसी कर ली गई है, ODI टीम में शिखर धवन की वापसी हो चुकी है और रोहित शर्मा और शिखर धवन की फिर से हमें जोड़ी दिखने वाली है। इंग्लैंड के खिलाफ जो ODI मैच होने वाला है उसमें शिखर धवन जो है हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि KL राहुल जो है क्रिकेट फील्ड से 2 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण जो है 2 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं। और KL राहुल की जगह अब हमें शिखर धवन जो है ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर T20I में जो है ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं और ODI मैचेस में जो है गब्बर की वापसी हो चुकी है और अच्छी वापसी हुई है। तो यहां पर KL राहुल को 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिकवर होने में 2 महीने लगने वाले हैं, ये खुद KL राहुल ने कंफर्म कर दिया गया है। जर्मनी में उनका रिकवर चल रहा था और अब कंप्लीट हो चुका है और अब थोड़ा सा उनको रिकवर होने में 2 महीने का समय लगने वाला है। तो यहां पर शिखर धवन जो है अच्छी ओपनिंग निभाने वाले रोहित शर्मा के साथ। तो ये तो थी अपडेट्स जो कि मैंने आपको बता दी, जो कि कुछ प्लेयर्स को लेकर आ रही थी, शिखर धवन को लेकर आ रही थी, KL राहुल को लेकर आ रही थी, रोहित शर्मा को लेकर आ रही थी। आपको अपडेट्स कैसी लगी, आप भी अपनी राय जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना। बाय बाय।